अलीगढ़ में महुआ खेड़ा स्टेडियम में क्रिकेटर रिंकू सिंह के आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल होने पर जश्न मनाया गया। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने एक दूसरे को बधाई दी। भारत महिला टीम की खिलाड़ी मुस्कान मलिक और उत्तर प्रदेश टीम की खिलाड़ी नीतू जादौन भी स्टेडियम में पहुंची। उन्होंने कहा कि रिंकू सिंह हम सभी के लिए प्रेरणा बन गए हैं। प्रशिक्षु खिलाड़ी काफी उत्साहित दिखाई दिए। सभी ने रिंकू के चयन पर खुशी जताई। वहीं संगीत की धुन पर डांस भी किया। सभी ने कोच मसूद अमीनी का भी स्वागत किया। मसूद अमीनी के मार्गदर्शन में ही रिंकू की क्रिकेट प्रतिभा निखरी। जादौन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष अर्जुन सिंह फकीरा ने सबको मिठाई खिलाकर रिंकू के चयन पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि रिंकू जिले के प्रथम क्रिकेटर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलेंगे। वही आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल किए जाने के बाद रिंकू सिंह एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गए हैं। उन्हें खूब बधाई मिल रही है। रिंकू सिंह के घर पर हैं, बात करेंगे इनके परिवारजनों से, किस तरीके से खुशी की लहर है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आरती है। अच्छा, आप कौन है रिंकू सिंह की? बड़ी भाभी। बड़ी भाभी, तो ये बताइए जिस तरीके से चयन हुआ है दौरे के लिए आयरलैंड की, तो किस तरीके से आप खुशी जाहिर करेंगे, किस तरीके से आपने खुशी मनाई है? तो पहले हमें बहुत ज़्यादा खुशी है पहले से, क्योंकि पहले इंडिया की टीम में अभी सिलेक्शन हुआ था, अब ये है, अब तो लगातार खुशी मिल रही है। तो ये सोच लो सपने साकार होता जा रहा है। जब से हमने सपना देखा है ना, तो ये सोच लो हमारा सपना साकार हो रहा है। अच्छा, तो आपने जैसे जो अभी मैच खेले थे उन्होंने, इतनी धमाकेदार जो उन्होंने क्रिकेट खेला, पारी खेली, तो अब किस तरीके से उनसे आपको उम्मीद है? सर जैसे आप खेला है, अब इससे भी ज़्यादा बेटर करना है। बहुत अच्छा लगता है जब उनके लिए तालियां बजाते हैं लोग, सीटियां बजाते हैं, आप लोग तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें जी। तो आज किस तरीके से आपने, जैसे आपने सूचना मिली आपको उनके द्वारा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो फिर उसके बाद में किस तरीके से खुशियाँ की लहर आई आपके घर पर, ये बताइए, किस तरीके से सेलिब्रेट किया? सल कल रात को ही हमें पता पड़ा था, बड़ा खुशी खुशी का माहौल था। सारे लोग हंस रहे थे, मतलब अपनी अपनी खुशी जता रहे थे, फोन आ रहे थे लोगों के, और जैसे लड्डुआ मिठाई जो भी है बांट रहे थे हम। अच्छा, रिंकू सिंह से आपकी कब बात हुई है? जी कल रात को ही हुई थी मेरी बात। तो उन्होंने ही बताया? जी। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बोला कि कल दोपहर को उनकी कॉल आई थी, तो कह रहे थे भगवान से दुआ करो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो हमने कहा आप इतना सोचते हो, हम भी माता रानी को बहुत मानते हैं, तो मैंने कहा माता रानी से दुआ करेंगे भैया हो जाएगा। फिर शाम को मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा आप टेंशन ले रहे थे दोपहर में, और अब देख लो भगवान ने तो आपके साथ अच्छा ही किया है। तो ये खुशखबरी उन्होंने ही बताई? जी सर, हमें मेरी शादी को 14 साल हुई, 14 साल से इस समय का हमने बहुत बेसब्री से इंतजार किया, मतलब सारे परिवार ने ही किया है जी, जी। तो मतलब ये सोच लो हमारा तो सपने जैसे सपना देख रहे थे ना, अब धीरे 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 पूरा हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है। नेहा, आप रिंकू सिंह की कौन है? मैं सिस्टर हूँ उनकी। सिस्टर है। अच्छा, जिस तरीके से कल सिलेक्शन हुआ उनका दौरे के लिए, आइलैंड दौरे के लिए, तो किस तरीके की खुशी का माहौल आपके घर पर है, ये बताइए। जी जब रात में खबर सुनी थी ये वाली कि भैया का टीम में हो गया, तो फिर बहुत खुशी हुई थी। मीडिया वाले तुरंत आ गए थे, फोटो वोटो लिया था, और पापा ने लड्डू वगैरह मंगाए थे, फिर वो बांटे थे और खुशी मनाई थी। तो आप कितनी ऊंचाई तक आप देखना चाहते हैं, कितना किस तरीके से आप वो पहले जो क्रिकेट खेलते थे उससे और अच्छा कितना देखना चाहते हैं? यही देखना चाहते हैं, अब जो उनका नाम आया इन मैचों में खूब अच्छा कर रहे हैं, जब भी आगे बढ़ते मेहनत करते हैं, जब भी आगे बढ़ते हैं तो शुरू से मेहनत करी है उन्होंने तो हम यही चाहते हैं बस अच्छे से खेलें और नाम रोशन करते रहें। ऐसी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रिंकू सिंह के कोच, जानेंगे किस तरीके से उनकी खुशी की लहर है, क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मसूद जफर अमीनी है जी। मैं अलीगढ़ क्रिकेट स्कूल एंड जंडोर राइडर क्रिकेट क्लब में कोचिंग देता हूँ मैं जी। और रिंकू का अभी 3 मैचों के लिए आयरलैंड में सिलेक्शन हुआ है इंडियन टीम में। एकेडमी और पूरे अलीगढ़ वासियों को बहुत खुशी है, सारे बच्चों को खुशी है, और ये पहला लड़का है जो अलीगढ़ का इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ है। मैं सब लोगों को दुआएं हैं और उसकी मेहनत है, और सारे जितने भी हमारे एकेडमी के लोग हैं, फकीरा भाई हैं और जितने भी, सबकी दुआएं उसे ये इस मुकाम पे पहुंचा है, हमें बहुत खुशी है। आज किस तरीके से और क्यों आज सेलिब्रेशन चल रहा है, किस तरीके की खुशियां चल रही हैं, ये बताइए। हमारे रिंकू सिंह का जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड पर, ACS ग्राउंड है, और जादौन राइडर्स से खेलते हैं, और उनका वो सिलेक्शन हुआ है इंडिया के लिए, उन्हें वहाँ खेलने जाना है, आयरलैंड खेलने जाना है, और रात
हमें खुद जब पता लगा तो हमने रात को खुशी मनाई। अब बच्चे हमारे जो कितनी एकेडमी बच्चे हैं जो रिंकू साथ शेयर करते हैं खेलते हैं, रिंकू आता है, उन्होंने बच्चों ने कहा सर हम भी आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, तो मैंने और सोनू ने उसका भाई है अंशुल भाई ने मिल के और सब लोगों ने गार्डन से मिल के ये जश्न मनाया और सेलिब्रेट किया। अच्छा, तो किस तरीके से अब ये सेलिब्रेशन किया है? ये बच्चों ने डांस वांस किया था और हम लोगों ने मिठाई मारी, रिंगू तो हमारे पास है नहीं लेकिन उसे हमने चित्र पर मिठाई खिला के उसे खुशी मनाई और रात मेरी बात हुई तो मैंने कहा था तू जाएगा तो ये हम कराएंगे, तेरी दुआ करेंगे हम लोग सब मिलकर बच्चे और गार्जियन और कोच और सोनू घर वाले मिल के कि तू आया का अच्छा परफॉर्मेंस करे और रन बनाए इंडिया के लिए। तो देखिए मेरे साथ रिंगू सिंह के भाई भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनी, किस तरीके से आज खुशी मना रहे हैं, मतलब किस तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा है? भैया उसका इंडिया में सिलेक्शन हुआ है इसलिए उसी में सभी ने सेलिब्रेशन मनाया है। तो अब रिंकू सिंह का कब अलीगढ़ आना हो रहा है? सर अभी तो नहीं, अभी अगस्त में ही मैच है तो वो वहीं जाएगा, अब प्रैक्टिस करेगा और वहीं खेलेगा। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए अब रिंकू सिंह से आपकी कब बात हुई है? सर कल शाम को हुई थी। कल शाम को हुई है जी। तो मतलब उन्होंने किस तरीके से आपको खुशी की बात बताई कि इस तरीके से हुआ है, तो घर में माहौल किस तरीके का हुआ? सर मैं तो बाहर था उस टाइम जब रिंकू की कॉल आई थी मेरे पास, तो उसी ने कॉल करके बताया था भैया ऐसे ऐसे बात है और मेरा आयरलैंड सीरीज के लिए सिलेक्शन हो गया है, तो मैंने कांग्रेस वगैरह किया था, खुश था वो भी, मैं भी बहुत खुश था। अच्छा जी। चलिए आप किस तरीके से उम्मीद करते हैं किस तरीके से खेलेंगे? अच्छा परफॉर्म करेगा, उसने आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया है, फिर उसके बाद दो तीन टूर्नामेंट हुए उसमें भी कई पारियों में अच्छी इनिंग खेली है उसने और T20 में उसका फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करे इंडिया के लिए भी। क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह नाम है मेरा। आज किस तरीके से खुशी की सीरीज लहर है, आप एंजॉय कर रहे हैं? जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे काफी प्रसन्नचित हैं, आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज है T20, उसके लिए रिंकू सिंह का सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है और काफी रिंकू सिंह मेहनती हैं, इंडिया के लिए खेले हैं, सिलेक्शन हुआ है, बहुत बहुत खुशी है सब लोगों को और इसका श्रेय उनको तो जाता ही जाता है, साथ में जो उनके कोच हैं आपसे बात हो रही थी मसूद अमीनी जी और फकीरा भैया हैं, काफ़ी सहयोग रहा है और यहाँ आते हैं बच्चों को काफ़ी टिप्स देते हैं, बच्चे काफ़ी अच्छा सीख रहे हैं और अब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जल्दी ही वो टेस्ट में और आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छी खुशी होगी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। कि किस तरीके से आप उम्मीद करेंगे जिसे सिलेक्शन हुआ आप खेलने जा रहे हैं, अभी तक तो अच्छा पारी उन्होंने खेली है लेकिन अब किस तरीके से आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए हम ये इस ग्राउंड से जुड़े हुए हैं तो हम सभी लोग ये चाहेंगे कि बहुत अच्छा परफॉर्म करें और वो एक मतलब कन्फर्म जगह बनाए अपने इंडिया के लिए और जल्दी ही आपको इस ग्राउंड से देखिए, हमारे ग्राउंड से एक लड़की और है वो बहुत अच्छा खेल रही है, इसे चाहे जल्दी वो भी इंडिया के लिए खेले, इंडिया उसका लगी गया और बहुत अच्छा खेलेगी वो भी, तो हम ये चाहते हैं कि सेलिब्रेशन ग्राउंड पर कंटिन्यू चलता ही रहे, एक चलता रहे। जी जी बिल्कुल लगातार बच्चे नए बच्चे हैं बैक टू बैक परफॉर्मेंस बच्चे परफॉर्म करें आगे इंडिया के लिए खेलें और हम लोगों को ये सेलिब्रेशन करने का मौका मिले। जी जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मुस्कान मलिक नाम है मेरा। मुस्कान आज किस तरीके सेलिब्रेशन चल रहा है? मतलब एक तो ये सब बहुत बड़ा एक मोमेंट है, ये सबके लिए प्राउड है, उनकी फैमिली के लिए और जो हमारा ग्राउंड है उसके लिए कि उनकी इंडिया कॉल हुई है और ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है, इसमें बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। आप क्रिकेट खेलते हैं? हाँ जी। अच्छा तो कहाँ तक पहुँचे हैं आप अभी तक? मैं UP से रणजी ट्रॉफी खेलती हूँ और अभी मैं इंडिया खेल कर आई हूँ। खेल के आए जी। तो अब रिंकू सिंह से किस तरीके आप उम्मीद करेंगे खेल को लेकर? यही उम्मीद है कि वहाँ पर अच्छा खेलें, जैसे उनका भी परफॉर्मेंस चल रहा है उसको कंटिन्यू लेकर जाएं आगे और इंडिया के लिए अच्छा खेले और अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो देखिए मेरे साथ रिंकू सिंह के भतीजे भी हैं जो कि क्रिकेट यहाँ सीखने आते हैं, किस तरीके से वो प्रेरणा लेते हैं उनको टीवी पर देखकर। क्या नाम है आप? आगे आओ। अरब सिंह। अरब ये बताइए आप चाचा का क्या नाम है? रिंकू सिंह। रिंकू सिंह, तो आप रिंकू सिंह को क्रिकेट खेलते हुए कहाँ देखते हैं? मैं टीवी पर भी देखता हूँ और मैच देखने भी जाता हूँ। अच्छा मैच देखने भी जाते हैं और टीवी पर देखते हैं। तो जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो आप उनसे किस तरीके से टिप्स लेते हैं, क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? मतलब जो वो करते हैं वो हम भी वो ही करते हैं और सर जो टिप्स देते हैं हम उसको भी यूज करते हैं। तो अब अंकल के जैसा ही बनना है आपको और उनसे अच्छा? उनसे मतलब हम कोशिश करेंगे उनसे भी अच्छा बने और अच्छा खेलें। देखिए BCCI के सेलेक्टरों ने
रिंकू सिंह को दोहरा खुशियां दी और उनके परिवार को। आपको बता दें आज से 15 से 20 दिन पहले टीम इंडिया में उनका चयन हो चुका है, उसके बाद में अब आयरलैंड के दौरे के लिए भी उनको चयन कर लिया है, जिसमें वो उम्मीद है उनसे कि काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छी देंगे। और रही बात उनके परिवार का, तो खुशी का ठिकाना नहीं है। परिवारजनों ने ये बताया कि कल उन्होंने अपने वीडियो कॉल के द्वारा इस खुशी को बताया। अब बात करते हुए वो खुश भी थे और काफ़ी भावुक भी दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि पूरे परिवार में इस सिलेक्शन को लेकर खुशी की लहर है और उनको आने वाले मैचों में अच्छी खेलने की उम्मीद भी है। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़, अलीगढ़।